धन्यवाद दे सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो धन, तुम्हें धन्यवाद दे सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो धन हमारे पूजनीय सतगुरु जी तुम हो धन, तुम हो धन, तुम हो धन, तुम हो धन। तुम हो धन, तुम हो धन।
Yeah.
चरणों में बार बार हे भगवान, आपके देव रूप में देव ज्योति का प्रकाश, जिस ज्योति के उजाले में अधिकारी मनुष्य आत्माओं के अंदर के नाना नीच अनुरागों को नष्ट करके उनकी आत्मा का रूप, आत्मा के रोग और उन रोगों से पतन को दिखाते हुए आत्मा की मोक्ष का ज्ञान देते, इस प्रकार से आत्मा के अंदर सत्य ज्ञान दे करके, आत्मा के बोध ज्ञान दे करके सत्य धर्म का ज्ञान देते। ऐसे आत्मिक ज्ञान दाता, आत्मिक बोध दाता आपके महान देव रूप को सन्मुख लाकर हम आपके चरणों में बार बार प्रणाम। हे भगवान, आपके देव रूप में देव ज्योति के अलावा देव तेज का भी प्रकाश और विकास हुआ है। जिस तेज की तेजमयी किरणों को अधिकारी मनुष्य आत्माओं के अंदर संचार करके उनके नाना नीच सुखनुरागों नीच घृणाओं को नष्ट करके उनसे उन्हें सच्ची मोक्ष और सच्ची शुद्धि प्रदान करते, इससे भी आगे अधिकारी मनुष्य आत्माओं के अंदर उच्च भाव व उच्च अनुराग उत्पन्न व उन्नत करके उनका उच्च जीवन में विकास करते। आपके ऐसे नीच अनुराग हरता, आत्मिक सत्य मोक्ष दाता, उच्च जीवन विकास करता महान देव रूप को सन्मुख रखकर हम आपके चरणों में बार बार। पहले आप बताने की कृपा करें कि मेरी आवाज आप तक आ रही है आखिर तक। धन्यवाद। इस सभा का जो विषय है वो हमारी जो प्रचलित सोच है, जो धार्मिक सोच है, उसके अनुसार नहीं है। विषय है कि आत्मा का खौफनाक पागलपन। या मैं समझता था कि शायद वो भी उचित होता अगर इसकी जगह मैं ये लिखता कि क्या हम पागल हैं। आत्मा के संबंध में जो हमारे धार्मिक विचार हैं, हमारे सांस्कृतिक विचार हैं, वो ये है कि आत्मा अमर है, आत्मा परिवर्तित नहीं होता, आत्मा की कभी मौत नहीं होती,
आत्मा को आग जो जला नहीं सकती, पानी उसको गीला नहीं कर सकता, हवा उसको सुखा नहीं सकती। ये हमारा जो महान ग्रंथ है गीता, उसकी सारी शिक्षा इसी के गिर्द घूमती है। ये पहली बार हुआ मानव जाति के विकास में कि भगवान देव आत्मा ने ये खोज की कि जैसे हमारा शरीर परिवर्तित होता है, उसकी गठन है, उसमें अनेक बीमारियां होती हैं, बीमारियों के कारण होते हैं और बीमारियों से मोक्ष भी हो सकती है। उसी तरह आपने फरमाया कि आत्मा जो है मनुष्य का वो बदलता है। इस विषय में कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो परिवर्तित ना होती हो, सब कुछ बदलता है। जब मैं यहाँ स्टेज पे आया तब से अब तक मैं बदल चुका हूँ, आप भी बदल चुके हैं, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब बूढ़े हो जाते हैं। ये बदलना इतना लगातार होता है, कंटिन्यूस होता है कि अहर तक नहीं आने देता वो जब अपना कार्य करता है। इसलिए हम नेचर के परिवर्तन के नियम के से बाहर नहीं हैं। टू बी इज टू बी चेंज, जो कुछ भी विषय में है वो परिवर्तित होता है। तो परिवर्तन होकर जैसे मेरे शरीर में बीमारियां लगती हैं, आप भी बीमार हो जाते हैं, वैसे सबसे भयानक बीमारी जो है वो कौन सी है? मानसिक बीमारी, मानसिक पागलपन होना। इसमें और दूसरी बीमारियों में फर्क ये है कि बाकी की बीमारी होने के बाद हमें खुद उसका अनुभव होता है, उससे हमें दुख मिलता है, उससे हमें फर्क लगता है कि मेरी शारीरिक सेहत और बीमार होने में बहुत बड़ा अंतर है। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, उनको बहुत बड़ी बड़ी रकमें देते हैं और अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि शरीर का बोध है, शरीर के दुख का बोध है और शरीर की मृत्यु का भी बोध है। ये बोध हमें सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहने के कारण हुआ है, लेकिन जो हमारी जीवनी शक्ति है, पूज्य भगवान ने इसको जीवनी शक्ति का नाम भी दिया, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ फोर्स, ये इसकी जो बीमारी है, बीमारियां जितनी भी इसकी हैं, उसमें फर्क ये है कि जो बीमार होता है मानसिक तौर पे, वो अपने लक्षणों से पता लगता है उसका कि ये मानसिक तौर पे वो बीमार है, वो बोलता अटकल पच्चू है, वो बातें अटकल पच्चू करता है, वो खाता गलत है, जो कुछ भी करता है वो अबनॉर्मलिटी होती है, जैसे जो उससे जिनको नहीं होती वो उनको देख सकते हैं कि ये तकलीफ हो गई है। आजकल तो इसका इलाज हो रहा है, लेकिन आज से हजारों साल पहले जिनको मानसिक बीमारी होती थी उनको ये कहकर कत्ल किया जाता था और उनको जिंदा जलाया जाता था कि इनके ऊपर को भूत चिड़ेलों का साया है। 15वीं सदी में यूरोप में हर गांव में हजारों स्त्रियों को जिंदा जलाया गया, शायद ज़्यादा ही वो जो है तादाद हो, क्योंकि वो समझते थे इनके ऊपर भूत चिड़ेल का साया है, ये डायन है। इस आजकल भी होता है कहीं कहीं, जहाँ लोगों को समझ नहीं है कि ये बीमारी है, ये स्त्री बीमार है, इसका इलाज होना चाहिए, तो वो ज़माना अब नहीं है। इसलिए पता लो मनुष्य को लग गया कि इसका इलाज होता है, इलाज हो सकता है, और उसको आत्मा की भिन्न भिन्न बीमारियां हैं मनुष्य को। पूज्य भगवान ने देवशास्त्र तीसरे खंड में विस्तार से दिया है कि मनुष्य आत्मा की बीमारियों के उसकी लिस्ट दी है कि ये आत्मक बीमारियां हैं,
और इसका इसका भी इलाज हो सकता है। तो मनुष्य जो हम हैं, हमारा स्वभाव ये है कि हम सुख में जीवन चाहते हैं, दुख में जीवन नहीं चाहते। हम जिंदा रहना चाहते हैं और मरना नहीं चाहते। ये हमारा मूल स्वभाव है, इस स्वभाव से बाहर कोई नहीं जा सकता। तो मनुष्यों ने ये मनुष्य के पागलपन को कहा है, देखा है और उसकी बातें भी की हैं। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम आपने सुना होगा, महान सात्विक जीवनधारी वैज्ञानिक हुए हैं। उन्होंने 1950 में लंदन में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, जंग हो चुकी थी हमारी, दूसरी जो बड़ी जंग थी वो ख़त्म हो चुकी थी, और उसके बाद जो कुछ हमने किया था उसके ऊपर इकट्ठा वो होकर सोच रहे थे। तो उन्होंने उस समय एक बयान दिया था, उन्होंने कहा मुझे ऐसे लगता है कि सारी दुनिया के पागल हमारी पृथ्वी पे एकत्रित हो गए हैं। ये उनका पढ़े कभी उनका बयान है। उसने कहा हालत हमारी ये है कि वो पागल इकट्ठे हो गए हैं, बाहर के ग्रह ग्रह से आए हैं और वो किश्ती में सवार हैं, किश्ती में सुराख है और वो एक दूसरे की जेबें काट रहे हैं। तो उसने कहा पागल है सारी मानवता ही पागल हो गई है। अगर मनुष्य पागल ना होता तो करोड़ों आदमियों को कत्ल क्यों करता? और पागलपन ये है कि कत्ल करने वालों को अनाम भी मिलते थे, जो जीतते थे उनको पुरस्कारित किया जाता था। तो वो जमाना था जब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये बयान दे रहे थे, और वो उन्होंने एक जिन्होंने इंग्लिश की हुई है वो जानते हैं कि बीए में जॉन ऑफ आर्क का ड्रामा उन्होंने लिखा, और उसमें उन्होंने जो फिक्रे लिखे वो ये हैं कि उसको जिंदा जला दिया गया था, जॉन ऑफ आर्क। वो लड़की फ्रांसीसी थी, उसने बादशाह को कहा कि मैं जो इंग्लिस्तान के लोग अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया हुआ है किलों के ऊपर, मैं इसको छुड़ा सकती हूँ। 19 साल की उसकी उम्र थी, वो बादशाह को मिली। बादशाह को लगा कि इस लड़की में बहुत सूझबूझ बड़ी है, ये जंग लड़ने की सूझबूझ बड़ी है और इसके अंदर जज्बा बड़ा ज़बरदस्त है। उसने कहा हाँ तुम्हें हम फौजें देंगे, तुम लड़ो। वो फौज उसको दी गई, उसने वो किले फतेह कर लिए, अंग्रेज़ों को वहाँ से भगा दिया। और फिर ये हुआ कि लोगों ने कहा ये डैन है। अब लोग देखें तमाशा हमारा क्या, लोगों ने कहा ये डैन है, इसके ऊपर मुकदमा चलाना चाहिए और इसको सजा देनी चाहिए। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा उनकी जो कविता है कि हाफ एन आवर टू बर्न यू डियर सेंट, उसने कहा कि आधा घंटा तुम्हें जिंदा जलाने पे लगा, एंड 4 सेंचुरीज टू फाइंड आउट द ट्रुथ, और 400 साल लगे ये जानने के, जानना कि ये तो बेगुनाह थी, ये तो डांड नहीं थी, और ये किस मैंने लिखा था उसका साल भी सारे, वो तो नहीं आ सका मेरे दिल। तो उसको फिर ये घोषणा कर दी कि 400 साल बाद कि ये सेंट है। और घोषणा किसने की? पोप ने की। सजाएं किसने दी? पादरियों ने दी। तो फिर तभी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा हम तो पागल हैं, हम तो नॉर्मल इंसान है ही नहीं। ये जो दूसरी जंग लड़ी गई इसमें करोड़ों आदमी मरे। चर्चिल उन दिनों इंग्लिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, और रूजवेल्ट जो था वो यूएसए का राष्ट्रपति था, जिन्होंने वो जंग लड़ी।
तो चर्चिल ने किताब लिखी है जंग के संबंध में, जिनके जिस किताब पर उसे नोबेल प्राइज मिला, उसका जो परिफेस है वो पढ़ने वाला है। उसमें चर्चिल ने कहा कि मुझे रोजवेल्ट ने पूछा कि इस जंग का नाम क्या रखा जाए, तो चर्चिल ने कहा कि उन्होंने लोगों से कहा था कि बताया जाए, लेकिन जब उसने चर्चिल को कहा तो चर्चिल ने जो बात कही उसने कहा अननेसेसरली वार, ये जंग पढ़े कभी वो किताब, उसने कहा ये जंग बहुत आसानी से टाली जा सकती थी, तो पागलपन का कोई हद तो नहीं है, ये नॉर्मल आदमियों की बातें हैं कि करोड़ों आदमी मारने के बाद वो जीतने वाला जो चर्चिल था वो कह रहा है कि ये जंग टाली जा सकती थी, बहुत आसानी से टाली जा सकती थी, लेकिन हमने नहीं टाली, हमने जानबूझ के नहीं टाली, हम लड़ना चाहते थे, हमारे हथियार बिकने थे, हमें फायदा होना था, इसलिए हमारी जो बागडोर है जिनको हम बहुत बड़े अपने हीरो मानते हैं मुल्कों के, उनके हाथों में है। वो लोग तो पीछे लग जाते हैं तो वहाँ भी पीछे लगे, और वो इतना इतना भयानक युद्ध था कि चर्चिल ने उसमें लिखा है कि सदियों का जो विकास था वो मिट्टी में मिल गया, सदियों की जो मनुष्यों की मेहनतें थी वो खत्म हो गई। तो ये मनुष्य का पागलपन है, और ये पागलपन जो है ये पूज्य भगवान लिखा है नीच उन रागों और नीच घृणाओं से पैदा होता है। उसका कारण बताया, कारण क्या है, नीच उन राग क्या होते हैं, देश समाज के जो मेंबर हैं उनको पता है कि हमारी वो प्रेरणाएं, हमारे वो भाव जो हमारा अपना और दूसरों का पतन कराते हैं, जिनके कारण हम हानि करते हैं, उनका मतलब मिथ्या और शुभ का साथ जो नीचन राग है वो, इसलिए उनको नीचन राग पूज्य भगवान लिखा है कि वो मिथ्या और शुभ से उनकी तृप्ति होती है, और वो सातर शुभ के पथ से विपथ हमें कर देते हैं, इसलिए उनको नीचन राग कहा है। पूज्य भगवान ने कहा ये नीचन राग है क्या, सिंपल सी मिसाल देता हूँ, हम खाना खाते हैं, खाना इसलिए खाते हैं कि उसकी हमें ज़रूरत भी है और हमें स्वादिष्ट भी लगता है, जो खाना हमें स्वादिष्ट लगे उस क्रिया में हमें सुख मिलता है, और उस क्रिया की बार 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 हम गति करते करते उस सुख के अनुरागी बन जाते हैं। फिर डॉक्टर भी बताए कि ये चीज जिसमें आप इतना सुख अनुभव करते हो ये आपके शरीर के लिए हानिकारक है, तो आदमी नहीं हटता। मैंने ये शुगर के मरीजों को देखा है, उन्हें डॉक्टर मना करते हैं कि आप इनको शुगर ना दो, वो कहते मैं शुगर जरूर खाऊंगी, शुगर के बगैर मैं बच नहीं सकती, ये बीमारी है बहुत बड़ी, नशा बीमारी है बहुत बड़ा। मैं कैनेडा में था, कई सालों की बात है, वहाँ की एक मॉडल लड़की थी बहुत खूबसूरत, बहुत, वो सिगरेट का उसे नशा लग गया, तो डॉक्टरों ने कहा ये सिगरेट छोड़ दो, तुम्हें कैंसर की शिकायत हो रही है गले की। उसने कहा नहीं छोड़ सकती, और बड़ा दर्दनाक, वो कॉलेज स्कूलों में जाती थी, स्टूडेंट को एड्रेस करती थी और अपनी कहानी बताती थी, और उन्हें कहती थी तुम ना फंस जाना है, मैं तो फंस गई, अब मैं छोड़ नहीं सकती। इसलिए जिस दिन मरी भी उस दिन उसने डॉक्टर से कहा कि मुझे सिगरेट के दो काश लगा दो, मेरा आखिरी वक्त आ गया। इतना हेल्पलेसनेस हो जाता है आदमी, इतना बेबस हो जाता है नीचे रागों के हाथों में। इसलिए ये सुखनुरागी जो हमारी फितरत है, इससे सारी रूहानी बीमारियां निकलती हैं, इससे सारे युद्ध होते हैं, इससे सारे घर टूटते हैं,
इसमें इन वो संबंध जो है वो टूट जाते हैं सारे सारे के सारे। पूज्य भगवान ने फरमाया कि इनका इलाज हो सकता है। नीच उन रागों को बीमारी कहा उन्होंने, ये बीमारियां हैं, इनसे इलाज हो सकता है और हम मनुष्य के इस पागलपन को दूर कर सकते हैं, क्योंकि हम सात और शुभ के अनुरागी हैं, हमारे अंदर एक अद्वितीय देव ज्योति और देव तेज का विकास हुआ है। जो लोग भी हमारे संपर्क में आते हैं उनका जीवन पहले से कुछ का कुछ हो जाता है। इसलिए उन्होंने जब ये कहा तो लोग उनके विरुद्ध बहुत हो गए। उन्होंने कहा कि हमारी सारी शिक्षा जो है उसको गलत साबित कर रहा है, जो ये कहता आत्मा रोगी हो गया है इसलिए हो रहा है। उसके लक्षण पूज्य भगवान ने बताया कि जब कोई मनुष्य आत्मिक तौर पे पागल होता है तो उसका पहला लक्षण ये है कि गौण हो जाता है, गौण मोक हो जाता है। पहले नंबर की चीज दूसरे नंबर पे चल जाती है और दूसरे नंबर की चीज पहले नंबर पे आ जाती है। अब खाना है, खाना मुझे किस लिए खाना चाहिए, सुख भी लेना चाहिए, लेकिन खाने का जो मुख है वो सेहत है, मुख स्वाद नहीं है। जो खाने कई दफा स्वाद इतने नहीं होते लेकिन हितकर बड़े होते हैं, लोग वो भी उनमें भी सुख मिलने लग जाता है, ऐसी बात नहीं है, वो हितकर सुख होता है। इसलिए अकेला जो स्वाद सुख और राग वो जो हमारी आत्मा का एक भाग है, स्वाद हमें मिलता है, वो कोई खराब चीज नहीं है, अच्छी बात है, सुख मिलना चाहिए खाने में, लेकिन वो उच्च सुख होना चाहिए, वो नीच सुख नहीं होना चाहिए। इसलिए अकेला स्वाद अनुराग जो है वो मानवता की मिट्टी पुलीत कर रहा है। ये जो हमारा चंडीगढ़ है इसमें जो हलवाइयों की दुकानें हैं उसके ऊपर जो कुछ बिक रहा है उसको जो लोग खाते हैं वो स्वाद अनुराग के गुलाम होते हैं। सारे का सारा जो धंधा होता है ये बहुत बड़ा माफिया है। ये मैं तो कई दफा कहता हूँ डॉक्टर भी इनके साथ मिले हुए हैं कि हलवाइयों को खूब खूब तुम दुकानें चलाओ, बीमार होंगे तो हमारे पास आएंगे। इसलिए दोनों ने आपस में संधि की हुई है कि तुम दुकानें खोलो, लोगों को बीमार करो और हम तुम्हारा इलाज कराएंगे। और सारे का सारा वो गंदा जो खाना है वो चंडीगढ़ जैसा विकसित शहर, एजुकेटेड शहर, इसके स्त्री और पुरुष खा जाते हैं और पूछते भी नहीं, और निकलता है टेलीविजन के ऊपर आता है कि ये चीज़ें जो है बहुत जहरीली है, खराब हो गया सारा कुछ। चार भाई थे उनको ले गए कि इनको खाना खिला दो, तो वो जब खाना खा के लौटे तो जो सबसे आगे उनका भाई था उससे एक जन ने कहा कि क्यों आज तो बड़ी खूब दावत उड़ाई होगी आपने, बहुत अमीर के घर से आए हो। उसने कहा मैंने क्या दावत उड़ाई है, ये मेरा दूसरा भाई देखो वो उसने खूब खाया। तो वो क्या था, उसको वो जो दूसरा भाई था उसको दो आदमी पकड़ के ला रहे थे, उसने इतना खा लिया कि वो चल ना सका। तो जब उसने उससे कहा क्यों पंडित जी खूब खाया आज, उसने कहा मैंने क्या खाया, वो मेरा तीसरा भाई देखो वो पीछे उसको चारपाई के ऊपर ला रहे थे। तो जब उससे पूछा क्यों पंडित जी आज तो बहुत बहुत ज़ियाफ़त हुई है आपकी और बहुत स्वादिष्ट भोजन किया होगा आपने, उसने कहा मेरी बात छोड़ो वो चौथे की बात देखो पीछे, वो चौथा क्या था, वो राम नाम साथ हो रहा था, वो सीधे कब्रस्तान में जा रहा था। तो ये स्वाद अनुरागियों के मतलब वो किसी ने लिखा है, वाकई बातें ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मैंने देखे हैं लोग। एक बहुत खूबसूरत नौजवान था इंग्लैंड में, बहुत अच्छा था, बहुत खूबियों का मालिक था, बहुत चैरिटी बहुत करता था, पैसे वाला था, वो मुझे मिलने आया, कई साल हो गए, तो हमारे परिवार से संबंध था उसका। तो
तो मुझे आके मैंने पहचाना नहीं, तो मैंने कहा सुभाष तू है? कहता हाँ भाई जी मैं हूँ। मैंने कहा तुझे क्या हो गया? मुझे पता तो है कि तुझे दुशूर हो गई। कहता बस अब आखिरी है, मैं लंदन से आया था। मैंने कहा भाई जी से ज़रूर मिलना है, हमारा पारिवारिक संबंध है, तो आपसे मिलने आ गया, आखिरी मुलाकात है। मैं कहा तुझे हो क्या गया, क्या करते हो? कहने लगे एक किलो बर्फी रोज़ खाता हूँ। ये स्वाद और राग मामूली चीज़ नहीं है जिसको आप समझे कि ये तो कुछ भी नहीं है, कि ये बीमारी है, इसका वक्त पे पता लग जाए, रोक जाए तो रोक सकता है। तो लेकिन वो बहुत कृपा पात्र रहा था, हड्डियाँ उसकी निकली हुई थी, और मेरे सामने बातें करता करता कहने लगा मैं थोड़ा सा खा लूँ। वो उसने अपना बैग सा निकाला, उसमें से बर्फ़ी खाने लगा। तो मैंने कुछ नहीं कहा। तो तीसरे चौथे दिन जब वो वापस इंग्लैंड गया तो मुझे पता लगा कि सुभाष की डेथ हो गई। स्वाद अनुराग, आलस अनुराग, नशा अनुराग, ये नशा क्यों करते हैं? नशे में सुख मिलता है, वो सुख की क्रिया करते करते उस क्रिया के साथ हम बंध जाते हैं। ये सारा पंजाब जो है वे कहते चिट्टा वो हीरोइन है वो खाते हैं, और नौजवान खाते हैं, गवर्नमेंट लगी हुई है, करोड़ों रुपये उस पर खर्च हो रहा है, गवर्नमेंट उनको वहाँ ले जा रहे हैं जो डी एडिक्शन सेंटर है, वो वहाँ से भाग जाते हैं। ये बीमारियाँ हैं, क्योंकि ये मुख्य स्वाद हो गया, सेहत जो थी दूसरे नंबर पर आ गई, इसलिए वहाँ पता लगता कि ये कुछ हो गया। अकेला स्वाद अनुराग भाई बहुत सभाएँ हो सकती हैं, लिखा जा सकता है। दूसरा लक्षण मनुष्य का ये है कि मकसद जो है वो जरिया बन जाता है, जरिया जो है वो मकसद बन जाता है, मीन्स जो है वो एंड बन जाता है। कहते हैं ना कुछ लोग, कहते हैं आम लोग जो जहाँ जंग होती है, जहाँ प्यार होता है, उसके मुतल्लिक कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। तो वहाँ क्या होता है? वहाँ मीन्स जस्टिफाई दी एंड नहीं होता, वहाँ एंड जस्टिफाइड दी मीन्स होता है। करोड़ों लोगों के अंदर ये आपको देखने मिलेगा कि जो जरिए हैं, धन जरिया है, मान सम्मान जरिया है, संपत्ति जरिया है, ये जरिए हैं जिनके द्वारा मुझे अपना विकास करना चाहिए, धन भी है, मान सम्मान भी है। तो लेकिन जब मान सम्मान मिलते मिलते हम उसके दास बन जाते हैं, तो मान सम्मान के बगैर नहीं जी सकते, खुदकुशियाँ कर लेते हैं। तो ये जो है जरिया जो होना चाहिए था मेरा इन सारों चीज़ों का, कि वो ये धन जो है ये बहुत अच्छे है, इसको कमाना चाहिए, जिसके बगैर मेरी सेहत नहीं रह सकती, इसके बगैर मेरी पढ़ाई नहीं हो सकती, इसके बगैर और सुख और सुविधाएं हमें जो मिलती हैं वो नहीं मिल सकती, इसके बगैर अच्छा मकान में रह सकते हैं, मॉडर्न जो चीज़ें हैं वो खरीद सकते हैं, लेकिन इसके हम दास बन जाते हैं। जब जो जरिया है वो मकसद बन जाता है जीवन का, ये चीज़ें मकसद नहीं हैं। हजारों लोग इससे फंसे हुए, एक दफ़ा पोजीशन आ जाए और पोजीशन जाने लगे तो फिर आप देखें क्या हाल होता है। मैंने तो देखा है कि बुरा हाल हो जाता है आदमी का, बुरा हाल हो जाता है। वो ज्ञानी करतार सिंह अकाली दल के बहुत उनके मतलब कहते हैं कि वो इंटेलिजेंट दिमागी तौर पे बड़े विद्वान थे, लेकिन उनकी शक्ल बड़ी बाद शक्ल थी। तो वो मिनिस्टर थे, वो मिनिस्ट्री हार गई तो लोग आए उसके पास, दूसरी पार्टी के जो उन्होंने सरकार ने भेजे, वे ज्ञानी जी कोठी खाली कर दो, ये चंडीगढ़ की बात है। तो उसने कहा कि कब करनी है? कहते वो कहते हैं कि एक आधा दिन ले लें। कहते की करनी फिर एक आधा दिन भी? ओ काका और खूंटी तो मेरा कच्छा तो मेरा तौलिया तो उस वो चुक लिया, चल गए अपन, तो रक्षे बह के चले गए।
वो हजारों छोड़ते ही नहीं हैं। ये महेंद्र सिंह दावा ने अपनी जीवनी लिखी है, उसमें उसने लिखा कि प्रताप सिंह कैरों को बर्दास कमीशन ने उनको गिल्ती करार दिया कि इसके बच्चों ने बहुत बड़ी जायदाद जो बनाई है वो गलत तरीके से बनाई है, तो उसको इस्तीफा देना पड़ा। वो जब घर यहाँ ही थे कोठी में, तो उस महेंद्र सिंह रंधावा ने लिखा, जो चीफ कमिश्नर बहुत गजब के आदमी थे, उसने कहा मैं उनसे मिलने गया, कोई उनके पास नहीं था, उनकी कोठी बिल्कुल सुनसान थी, वो सारी पुलिस भी चली गई थी, तो मैंने कहा सरदार साहब, उन्होंने कहते मुझे खुश हुए देखकर कि आप आए, बहुत अच्छी बात है रंधावा साहब। कहते जी मैं एक बात आपसे करने आया हूँ, अगर आपको अच्छी लगे आप कर लें। कहते क्या? कहते आपके लड़कों ने जो ये बेईमानी करके सारी जायदाद इकट्ठी की है, बड़े बड़े सिनेमे बना लिए और सारा कुछ किया है, वो इतिहास का पार्ट है, मुझे डराने की बात नहीं है, आप उसका एक कमीशन बना दें और वो कमीशन जो है वो एजुकेशन के लिए वो उसको दे दें कि जहाँ से बच्चे पढ़े और करें आपके वो बहुत। तो उसने कहा रंधावा साहब ये मैं नहीं कर सकता, मैं अपने बच्चों के खिलाफ नहीं जा सकता, ये मनुष्य ये रोग इसको ये जवानी रोग है सारे के सारे। वो कहते कफस में रहते रहते कऊ ते परवाज खो दी, इसलिए मलाले तंगी ये जिंदा नहीं होता। पक्षी का है, उसने कहा कि एक परिंदा कहता है कि मुझे पिंजरे में मैं बंद हूँ, इसलिए बंद रहते रहते उड़ने की ताकत मेरी खत्म हो गई, इसलिए अब पिंजरे में रहने में मुझे कोई दुख नहीं मिलता, दास हो जाता है, बच्चों का दास हो जाता है। ये तो बात छोड़ो, दास है, ये बीमारी ऐसी है। मैं यूपी में था, वहाँ एक फार्मर के पास गया, उसने मुझे एक आदमी को मिला, वो उनका वो रसोईया था, तो मैंने कहा ये कितना इतना बड़ा हो गया है, कहाँ का है? कहने लगे ये श्रीमान जी हमारे पास बहुत देर से है, ये अब जाता ही नहीं है, ये उधर का है, यूपी के किसी पर नुक्कर के किसी गाँव का। तो मैंने कहा क्यों नहीं जाता, लोग तो चले जाते हैं। कहते जी बात यह है कि हमारा एक मज जो है उसने कट्टा दिया वो, और कट्टे को ये फाड़ने लगा, इसको कट्टे के साथ प्यार हो गया, कट्टा बढ़ता चला गया, ये दूसरे बैलों का चारा भी इसी को डाल देता था, इसी जो कट्टा था वो बड़ा हो गया, भैंसा बन गया। तो कहते उसकी शादी का आया, कहते ये पीली पीत जाता तो कट्टे को भी साथ ही ले जाता। हमने कहा कोई बात नहीं, चलो हमें पहले पता नहीं लगा कि ये बीमारी क्या है। कहते जब शादी आ गई तो कहने लगा मैंने जाना है गांव, तो कहते फिर कहाँ क्या बात है? कहते भैंसा साथ ले जाना है। कहते तेरा गांव यहाँ से कई सौ किलोमीटर है, भैंसा बीमार हो जाएगा? कहते नहीं ये मेरी जिम्मेवारी है। तो कहते ये भैंसा हम कैसे दे दें तुम्हें, ये यहाँ काम करता है बहुत कुछ है, ये भैंसा लेकर क्या करोगे? कहते चलो फिर शादी छोड़ देते। तो भैंसे के साथ ऐसा संबंध हुआ सोखन रहा वो बंधन का कि शादी छोड़ दी उसने, और वहाँ ही फिर उसका जब भैंसा मरा कहते तब वो गाँव गया। तो ये नहीं कि ये किसी खूबसूरत चीज़ के साथ बन जाता है, ये भैंस के साथ ही बन जाता है, कट्टे के साथ ही बन जाता है, ये अपनी लैंग्वेज के साथ ही बन जाता है, ये अपना जो इसका प्रांत होता है उसके साथ ही बन जाता है। ये प्रांतवाद इतना है हमारे यहाँ, लैंग्वेज का इतना चक्कर है हमारे यहाँ, तो वो सारे का सारा क्या आध्यात्मिक तौर पर बीमार है, इसलिए बंधे हुए हैं। तो जो मकसद होता है जीवन का वो गौण हो जाता है, वो रहता नहीं है, इसलिए जरिया जो है वो हावी हो जाता है, वो चीज़ें जो हमारे विकास में लगनी चाहिए थी वो हमें दास बना लेती हैं। इसलिए जो रूसो है उसने कहा मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरी वेयर इन चेन, वो चेन क्या थी? यही थी, मनुष्य तो बन जाता है और इससे आगे कि मनुष्य ये सोखन रागी होने के कारण अब तीसरा इसका जो जो लक्षण है
जो देखा जा सकता है वो है कि ये अस्तित्वों और नेचर के अस्तित्वों और नेचर की घटनाओं का दास बन जाता है, उनके साथ बंध जाता है। वो कैसे होता है? और उनको उल्टे रूप में देखता है और उनके साथ जो संबंध होता है उसको जैसे आम लोग देखते हैं वैसे नहीं वो देखता, उल्टे रूप में देखता है अस्तित्वों को और व्यक्तियों को। इसलिए दुनिया में बहुत सारे जो कत्ल हुए वो इसी उसके रोग की वजह से हुई। ये जो जब पंजाब अभी बांटा जा रहा था, ये मनुष्य का जो स्वभाव है ना वो सोखनरागी होने के कारण पूज्य भगवान फरमाते थे कि ये सोखन रागों ने तुम्हारी मट्टी पलीत कर दी है और हम बिलबलाते हैं, तुम्हारे लिए रोते हैं, तुम्हारे लिए संग्राम करते हैं निकालने का, तुम्हें हमें हाथ नहीं रखने देते ऊपर। तो अस्तित्वों को उल्टे रूप में देखता है, जो तुम्हारे हितकर होते हैं उनको अहितकर देखता है। ये बड़े आदमियों की बातें बताता हूँ। लिंकन जो था उसको कत्ल क्यों किया गया? उसने क्या बिगाड़ा था? लिंकन ने मजदूरों को फ्री कराया था, जो दास अवस्था थी वो लिंकन ने अमेरिका में ख़त्म की थी। उसने कहा मैं वार लड़ सकता हूँ, मैं इस जो जालमाना रस्म है इसको ख़त्म करने के लिए मैं कुछ भी दाव पे लगा सकता हूँ, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। अभी दास अवस्था थी, लिंकन जा रहे थे कहीं, तो उन्होंने वो देखा था सारा, एक मेले में गए थे, वहाँ बिक रहे थे इंसान, माँ से बच्चा छीना जा रहा था, पत्नी से पति को लिए जा रहे थे, वो ऐसे वो तो वो लिंकन वो तो बस छोड़ रहे थे। उन्होंने ज़मीन के ऊपर पांव रख के कहा अगर मैं राष्ट्रपति बन गया तो मैं ये रस्म ख़त्म कर दूँगा, ये रस्म नहीं रही छोड़ूंगा मैं। तो वो जा रहे थे और एक गोरे ने उनको सलाम किया, टोपी उतार के, काले ने जो दास था, तो लिंकन ने आगे से अपनी टोपी उतार के किया। तो लिंकन के साथ वो जो उनके ऑफिसर थे उन्होंने कहा ये आप बड़े ऑफिसर हैं, आप मुल्क के नेता हैं, आपके लिए ये ठीक नहीं है कि आप एक नीगरो का जवाब दें। तो उनका जवाब क्या था? आई डू नॉट वॉन्ट टू बी लेस सिविलाइज्ड देन ही इज, मैं इससे कम सिविलाइज नहीं सभ्य नहीं बन सकता जो ये है। और जंग हुई, वो बहुत जंग आदमी मरे, तीन तीन चार चार दिन में गेट्सबर्ग में 40,000 आदमी मर गए। दोनों तरफ के लोग ऐसे लड़ रहे थे कि जैसे दुश्मन हो, जो दास अवस्था रखने वाले और जो दास अवस्था के खिलाफ थे। तो लिंकन ने फिर अवस्था ख़त्म हो गई, वो जीत गए। वो थिएटर में थे जब एक एक्टर जो था अमेरिका का बड़ा मशहूर, वो उसको इस बड़ी नफरत करता था, वो साउथ का था, तो उसने प्लान कर लिया कि आज इसको मार देना। तो लिंकन के बिल्कुल पास आके उसने गोलियां मारी और लिंकन को मार दिया। उसका जो वार सेक्रेटरी था लिंकन का, वो भी लिंकन से मजाक करता था। वो कहता था कि अगर किसी ने नीगरो देखना हो, ये क्या होते हैं बंदरों से ऊपर जो होते हैं शिंपांजी, जो शिंपांजी देखना हो तो वो तो राष्ट्रपति है हमारा, बैठा है उस व्हाइट हाउस में। और जब वो मरा तो उसी जो वो ही जो था, पहले दृष्टि कैसी थी बड़े आदमी के मतलब दृष्टि कैसी थी, वो ये थी। और अब उसने कहा नाउ ही बिलोंग्स टू द एजेस, अब ये लिंकन है वो अमर हो गया। ये हमारी बड़े महान आदमियों के मतलब है, हमारे परिवारों में तो बात ही कोई नहीं है, हमारे शहरों में तो बात ही क्या है। बड़े आदमियों की बातें बता रहा हूँ कि कैसे उनको उनका कसूर कुछ नहीं था, उन्होंने भला काम किया था, लेकिन उस भले को देखने की उनके अंदर ईर्ष्या थी, घृणा थी, घुमंड था, स्वेच्छाचारता थी। ये इतने नीच अनुराग मनुष्य में हों तो वो लिंकन को टॉलरेट कैसे कर सकता है। इसलिए कितने कत्ल हुए, ब्रूनो को कत्ल कर दिया गया, वो साइंटिस्ट थे, उनका कसूर क्या था? उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो प्रोफेसर थे रोम में और वो जाके
अपनी नौकरी छोड़ दी और लोगों को बताने लगे कि ज़मीन जो है, जो कॉपरनिकस पहले कहता था, उसी का ही आगे वो प्रचार कर रहे थे कि ज़मीन जो है ये गोल है और सूरज इसके गिर्द नहीं घूमता, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। मैं तो कहता इसमें कत्ल करने की क्या बात थी साइंटिस्टों को, इतने महान साइंटिस्टों को, और उसको पकड़ लिया और पकड़ के रोम ले जाते थे, क्योंकि रोम का जो पोप था उसके पास पॉलिटिकल सत्ता भी थी और दूसरी सत्ता भी थी, दोनों सत्ता उसके पास थी। तो उसको कत्ल किया, जिंदा जलाया, और जब जिंदा जला रहे थे तो वो थे खड़े तमाश देखने वाले, तमाशबीन, तो वो इकट्ठे थे, तो उनको वो कह रहा था कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी जो नस्लें हैं वो पढ़ाएंगी काल जो स्कूलों में जो मैं कह रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ा ख़राब आदमी है, ये इर्द गिर्द लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसकी जबान जो है उसको बांध के इसको फिर जलाओ, ये पोप का फरमान था, तो उसकी जबान बांध के फिर उसको जिंदा जलाया गया। तो ये मनुष्य तो यहाँ तक जाता है। इसलिए ये लक्षण हैं कि हम अपने हितकारियों को दुश्मन समझने लग जाते हैं, जो हमारा भला करता है उसको बुरा करते हैं। सोक्रेटिस ने क्या किया था, वो साधारण बातें कह रहा था जो लोगों की समझ में नहीं आती थी, तो वो कहते ये तो आदमी बगावत कर रहा है, बागी है, इसको मार देना चाहिए। तो ये लक्षण हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि हम पागल हैं या कुछ नहीं है। लेकिन आम आदमी जो हम हैं वो हमें नहीं समझ आती कि ये क्या हो रहा है, हम सुख के पीछे भागते हैं और सुख जिधर को ले जाए उधर को चले जाते हैं, और उससे भी आगे यह है कि ये धर्म के नाम के ऊपर इसने हजारों कत्ल किए। वो कहते ना मजहब का जुनून जब जाग उठे है दोस्तों, शैतान जाग जाए है इंसान सोए है। ये मैं एक घटना बता रहा हूँ, बड़ी दर्दनाक घटना है, जब पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ 15 अगस्त को आने वाला ये हम मना रहे हैं, 15 अगस्त हुआ तो मुल्क डिवाइड हो गया, तो वहाँ लाहौर का जो उनका यूनिवर्सिटी थी उसके एक बहुत बड़े अधिकारी थे, जिनका नाम मदन गोपाल था, रजिस्ट्रार थे वो यूनिवर्सिटी लाहौर में, उसका एक पीए था गुलाम हसन, वो पीए वो था जिसको जिसके इलाज के लिए इनको अपने पीए को उसने 1500 रुपया दिया, फिर वो खुद बीमार हुआ, लड़की बीमार हुई तो उसको उससे ज़्यादा पैसे दिए, और फिर क्या हुआ कि जो ही बंटवारा हुआ तो वो उनके कमरे में आया और आके उसने बस वो अपना नारा मारा, और वो उसने कहा क्या कर रहे हो, क्या पागल हो गए हो, पागल हो गए हो, छुरा क्यों लिए आ रहे हो। उसने कहा भी बताता हूँ, तो कई छुरे उसके मारे पेट में और उसको मार दिया, और उसके तीसरी दिन ब्रिज नारायण एक नाम उसके बहुत बड़े प्रोफेसर थे, उसने उसको मार दिया। लेकिन आज देखें कि ये मुल्क जो बना इसकी तह में और भी बातें हैं, लेकिन धार्मिक पागलपन सबसे ज़्यादा था। तो उसके बाद जो क्या हुआ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो बनी पंजाब में, उसके जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने ये जो मारने वाला था इसको एजुकेशन जो उनका बोर्ड था उसका प्रधान बना दिया। ये कुछ दिनों के बाद ही हो गया। तो धर्म जो है ये मनुष्य को आध्यात्मिक पागलपन की बीमारी लगा देते हैं। ये दूसरा कोई विद्वान भी हो, वो तो तुम्हारा उपकारी भी था, मदन गोपाल जो था वो तुम्हारा उपकारी था, तुम्हारी उसने मदद की थी पैसों से,
तुम्हें 1000 रुपया दिया था, तुम्हारी लड़की को 1200-1300 रुपया दिया था, तो ये तो नज़दीक की बात थी जब उसको छुरा घोंप दिया गया। और जो चीफ मिनिस्टर था उसने उसको एजुकेशन बोर्ड का प्रधान बना दिया। ये बीमारियाँ हैं और ये बीमारी अब बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। इसलिए आगे से आगे वो अस्तित्वों का, दूसरे चीज़ों का, मैं जब यहाँ देव समाज में आया, इसमें आगे है कि जो नेचर के, जो आत्मा के संबंध में जो विचार हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। धर्म के नाम के ऊपर इतना जुल्म हुआ है पहले और आजकल भी हो रहा है। तो मैं देव समाज में था तो मैं गया एक गांव में कई महीने के बाद, धर्म विकासालय जो हमारा हायर एकेडमी था वहाँ छुट्टी लेकर, तो वहाँ मेरे गांव के एक ब्राह्मण थे, पंडित थे, वो मेरे साथ 10वीं में पढ़ते थे, तो थे वो विद्वान, संस्कृत बड़ी जानते थे, तो इर्द गिर्द के लोगों के हाँ वो बड़े मशहूर थे कि संस्कृत के विद्वान हैं। तो उन्हें मेरा पता लगा, वो मुझे घर पर मिलने आ गए, मुझे कहने लगे कि आप कहाँ चले गए, कई दिन से ही पता लग रहा, मुझे पता लगा कि आपने कोई धर्म ज्वाइन करा लिया है, कर लिया है, वहाँ गए हुए हो। मैंने कहा मैं देव समाज में हूँ और वहाँ उनका धर्म विकासालय है, मैं वहाँ उसमें ज्वाइन किया, 4 साल का कोर्स है। तो मुझे कहने लगा कि आपको बताऊँ, आप तो धर्म कभी सपने में भी नहीं आप प्राप्त कर सकते। मैं क्यों? कहता पहली बात है, पहले आप कम्युनिस्ट थे अभी तक, अब आप देव समाजी बन गए, और तीसरी आप जाट हैं, आप संस्कृत आएगी नहीं, और जिसको संस्कृत नहीं आती वो धार्मिक होता ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैं उससे बैसा नहीं, तो मैं कई दिनों के बाद वहाँ चले गया और वहाँ हमारे एक ज्ञानी जी थे स्कूल में। मैंने उनसे कहा कि ज्ञानी जी, मुझे जो कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई और जो बड़ा मशहूर वाक्या है कि अर्जुन लड़ना नहीं चाहते थे जो कि दूसरी तरफ उनके रिश्तेदार थे, तो वो इसलिए वो इनकार कर रहा था। तो कृष्ण जी ने उसे समझाया कि ये तो प्रीडिस्टिंड है, जो कुछ हो रहा है ये लिखा जा चुका है, ये तो होगा ही होगा, बाकी जो तो ये डरता है कि मर जाएंगे, मर सकता है नहीं, को सब जीवित होंगे आदम। वहाँ से उन्होंने फिक्रा जो कहा, तो मैंने कहा ज्ञान शास्त्री जी मुझे आप बोल दो, मैं लिख लेता हूँ। मैंने वो लिख लिया, मैं अपने गांव में आया तो मैं फिर उसको मिला। मैंने कहा भी बात सुनो, कहते क्या? मैंने कहा नैनम शिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाप के। कहने लगे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, अब तो तेरे द्वार खोल गए। वो मुझे आधा भूल भी गया है, तो आधा ये 56 की बात है जो अभी तक मुझे याद है, घटना है कि वो मुझे ऐसे, मैंने कहा अब ठीक है, तेरी तरफ से हाँ होगी? कहते हाँ होगी। तो ये हम यहाँ बैठे हैं, इसलिए इस पागलपन में हम अपना और दूसरों का नुकसान करते हैं। मैं कल का ये सब्जेक्ट पे सोच रहा था, मैं क्या पागलपन की को हद है, हमारे लिए पुलिस खड़ी है जगह जगह। अरे पुलिस की हमें क्या क्या पुलिस की ज़रूरत है? हमारे लिए मिलिट्री है, हमारे लिए कचहरियाँ हैं, ये सब कुछ हमारे लिए है। हम हैं इंसान, दरअसल हम पागल हैं। ये पागलों को काबू करने के लिए डंडे चाहिए और पुलिस के ऊपर फिर उनके बड़े अफसर चाहिए, उनके ऊपर और बड़े ऊपर के चाहिए। तो ये सिस्टम ही सारे का सारा ऐसा बना हुआ है। तो मैंने कहा घरों को रात को ताला लगाते हैं, तो ये कहाँ से डरते कैसे हैं? ये डरते तो हम लोगों से हैं, अपने हमसाओं से हैं, इर्द गिर्द वालों से हैं, चोरी ना हो जाए। वैसे हमें कहना कि तुम चोर हो तो हम मानेंगे नहीं, तो वो ताड़े हमें बता रहे हैं कि हम शहादत देते हैं कि तुम सब चोर हो, ये इसलिए लगे हुए हैं ताड़े। मुझे लगता है मेरा मुँह चढ़ा रहे हैं कि श्रीमान जी कमाल है, बड़ी शराफत है, ये ताड़े ही ताड़े लगे हुए हैं जगह जगह, और डर है एक दूसरे से, डरते हैं सारे। इसलिए ये जो लक्षण हैं हमारे, इसलिए गुरु महाराज ने जो इसमें खोज की
तो उनकी मुखालफत बड़ी हुई। वो कहते हैं पहली बात तो यह है कि सारा कहते हैं विज्ञान मुल्क धर्म है, विज्ञान का हमने तो प्रयोग करना है, जो चीज़ कहते विज्ञान विधि के अनुसार पूरी नहीं उतरती हम नहीं मानेंगे, इसलिए सारी किताबें जला दी पूजी भगवान ने। वो तो बहुत ज़बरदस्त उनकी शक्तियाँ थी कि वो सर्वाइव कर गए, वरना तो होने की बात नहीं थी, उन पर गोलियाँ भी चलाई गई। सोलर में पिलर बड़ा हुआ है, चार गोलियाँ मारी। कहते ये आदमी बात ही नहीं मानता किसी की। ये कहता मैं एक नया फलसफा लेकर आया हूँ, वो ज्ञान मूलक दर्शन है मेरा, विकासवाद पे आधारित है, संबंधों की उसमें शिक्षा है। ये यहाँ ही वो तो पुनः फरा मैं इस दुनिया में मैं यहाँ स्वर्ग चाहता हूँ, ये नहीं कहा कि वहाँ आगे स्वर्ग चाहता हूँ, मैं यहाँ स्वर्ग चाहता हूँ, इस दुनिया में स्वर्ग चाहता हूँ, और इसमें ऐसे संबंध उत्पन्न करना चाहता हूँ जिसमें एक दूसरे के लिए विश्वास करने वाले हों, एक दूसरे के लिए सेवाकारी हों, वो मैं ऐसा धर्म स्थापन करना चाहता हूँ, ऐसा दीन लाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा हमारे इतने बड़े बड़े धर्म ग्रंथ हैं, हमारा सारा कुछ है, ये नया कहाँ से आ गया, ये विज्ञान का क्या काम है धर्म में? विज्ञान तो वास्ता का सवाल है, जहाँ धर्म है वहाँ वो कहते हैं कि पर्शियन में है कि हर जो शक करदत काफर करदत, जो शक करेगा उसको मार दो। ये सारी दुनिया में आजकल हो रहा है, फिर पागलपन आ रहा है, तो उसका कारण है, कारण मनोवैज्ञानिक है, सारे के सारे वो समझ में आ सकते हैं कि हम जब तब तक हम पागल रहेंगे जब तक हम नीच अनुरागी रहेंगे, जब और सात्विक भाव भी हमें पूर्ण तौर पे नहीं निकाल सकते उसे। तो इसलिए पूजी भगवान के संबंध की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जो एक और मनोविज्ञान की खोज है वो ये है, जो आज के युग के लिए बेहद ज़रूरी, उसको पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, वो ये है कि हम जो गति करते हैं उसमें हमें सुख मिलता है, और सुख मिलते मिलते उस गति के प्रति हमारे अंदर अनुराग पैदा हो जाता है, और अनुराग पैदा होकर हमारी जीवनी शक्ति में बुरा परिवर्तन आता है, जिसके कारण हमारी हालत ये हो गई है। और उसमें बुरा परिवर्तन क्या आता है कि सुख से बंधने के कारण हमारी आत्मा जो है वो फिक्स हो जाती है, एक जगह फिक्स हो जाती है, बंध जाती है। लेकिन उससे भी खैर है, अगर हम बांध ही जाए तब भी गनीमत नहीं है। वो ये है, मनोविज्ञान बताता कि हम जो ये करते हैं बंधने से आगे क्या होता है, हमारे अंदर रिग्रेशन हो जाता है, फिक्सेशन के बाद रिग्रेशन हो जाता है। रिग्रेशन क्या है, मैं अपनी पहली अवस्था में लौट जाना चाहता हूँ, जो पहले बहुत हजारों लाखों साल जो पहले है वहाँ लौट जाता है उसके लिए। इसलिए ये बहुत बुरी अवस्था है किसी भी मनुष्य के लिए कि उसके अंदर रिग्रेशन हो जाए और वो पुरातन समय में लौट जाए, जहाँ से वो चला था, पशुत जीवन तक पहुँच जाए। और फिर होता क्या है कि हमारा अगर विकास ना जारी रहे, ये रिग्रेशन क्यों होता है कि हमारे विकास के जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो फिर रिग्रेशन होता है, हम पुरानी अवस्था में लौट जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जीवनी शक्ति जो है वो अगर आगे के लिए रास्ता नहीं है तो वो पीछे को लौट जाती है। ये मनोविज्ञान की खोज है। और उसमें होता क्या है, मैं आपको दो चार लाइनें पढ़ के सुनाता हूँ कि आखिर पे ये आता है मनुष्य का, जब जीवनी शक्ति के विकास का रास्ता बंद हो जाता है तो वो एक या दूसरी अवस्था में जम जाती है, या फिक्सेशन हो जाती है, या उसका रिग्रेशन हो जाता है, प्रतिगमन
करने की प्रवृत्ति रखती है। इसलिए हर प्रकार इस पर जब कोई विज्ञान, ये जो फिक्रे हैं ये मैंने बहुत ये लिखे हैं, ये मैं बहुत दफ़ा इसको पढ़ा है, जब कोई विज्ञान, कोई दर्शन, कोई धर्म, साहित्य, कला, शिल्प, साहित्य, सामाजिक गठन, रेग्रेशन या पुनर्वर्तनशील हो जाती है तो वो अपनी मौत का आवरण कट लिखती है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि हमने अपनी मौत के वारंट साइन कर दी है, क्योंकि हम पीछे को लौट गए। हम पुरानी चीज़ों को, उस वक्त ये होता था अरे भाई विकास बंद हो गया, अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है जीवनी शक्ति में, तो जीवनी शक्ति का स्वभाव है वो पीछे लौटती है। तो ये जीवनी शक्ति का रोग है जो पीछे को जाते हैं। पुरानी सारी चीज़ें खराब नहीं हैं, लेकिन पुरानी सारी चीज़ें हितकर भी नहीं हैं। आज की सारी चीज़ें जो हैं वो गलत नहीं हैं, लेकिन आज की सारी चीज़ें ठीक भी नहीं हैं। हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हमारी जीवनी शक्ति से बातें चल जाती हैं। पूज्य भगवान ने फिर जो बात कही, उन्होंने कहा हम जो पागल हैं उनका इलाज करेंगे, उनको ठीक करेंगे और उनको नॉर्मल लाइफ बसर करने के लिए योग बना देंगे। ये जो पहला भजन गाया गया यहाँ, हमारे पूजनी सतगुरु जी तुम हो धन, दिन तुम हो धन, बहुत कम लोगों को पता है। वो मैंने लेख भी लिखा है इस पर, उसमें दिया हुआ है। बहुत कम लोगों को पता है कि ये लेख डॉक्टर हरनाम सिंह जी का है। डॉक्टर हरनाम सिंह कौन थे? वो एक अमीर घर के बच्चे लड़के थे, बहुत खूबसूरत थे और बहुत रसीली आवाज़ थी। जब वो लाहौर में गाते थे लॉरेंस गार्डन में, तो लोग उनके पीछे दीवाने हो जाते थे, वो इतनी ज़ोर से ऊंची उनकी आवाज़ थी, लेकिन गाने अश्लील गाते थे, इसलिए मजमा इकट्ठा हो जाता था। घर वालों ने, बहुत होशियार थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, घर वालों ने भेजा था वहाँ पढ़ने के लिए, और वो उनकी हालत नीच नुरागों ने खराब कर दी, इतनी खराब कर दी कि उसका पढ़ाई की तरफ दिल नहीं जाता था। वो बुरी संगत में पढ़कर उनके साथ ही मारा मारा दिन में फिरता था। तो उनको किसी ने बताया घर वालों को कि बच सकता है अगर ये देव समाज का जो धर्म आश्रम है यहाँ लाहौर में, इसको वहाँ आप जगह ले दें, ये वहाँ रहे, इसकी इसमें तब्दीली आ जाएगी। तो वो वहाँ पहुँच गया, उनके पिता लेकर चले गए और वहाँ पे वो रहने लगा। तो कुछ दिनों के बाद उसके अंदर अजीब तो परिवर्तन आया, वो फिर पढ़ाई में दिल लगने लगा। उसने अश्लील लड़कों की संगत छोड़ दी, बड़ा खूबसूरत नौजवान, फोटो लगी हुई अब देव समाज स्कूल मोगा मुस्क, और वो पढ़ाई में, उसको देव समाज में कहा कि तुमने बाहर नहीं जाना, कॉलेज में जाना है और उसके बाद स्कूल में जाना है, उसके बाद यहाँ आना है। तो एक जाएक आदमी जाता देव समाज का और उसके साथ फिर उसको ले आता। धीरे धीरे उसका पढ़ाई में दिल लगने लगा, उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया और लाहौर मेडिकल कॉलेज में वो टॉप कर गया। ये इलाज की ये बात हो रही है। वहाँ पूजनी भगवान थे, वहाँ कर्मचारी थे, श्रद्धेश्वर देव सिंह जी थे, जिनके प्रभाव में रहकर उसके अंदर इतना विकर्षण पैदा हुआ बुराई के लिए कि फिर उसको ज़रूरत नहीं रही किसी और के समझाने की। उसके अंदर उच्च भाव विकसित हुए और वो पढ़ाई में आ गया। पढ़ाई में फिर उसकी मेयो कॉलेज, जो बहुत बड़ा कॉलेज था मेडिकल, वहाँ उसकी सिलेक्शन हो गया सर्जन के तौर पर। पहले असिस्टेंट उसको लगाया, फिर कुछ दिनों के बाद ही उसने कहा कि तुम इतने लायक हो हम तुम्हें सर्जन बना देंगे। उन्हीं दिन एक और घटना हुई, जो मोगा स्कूल था अभी उसको बने 10 साल ही हुए थे, वहाँ हैजा हो गया। तो हैजे के लिए श्रद्धेश्वर देव सिंह जी के तहत पूज्य भगवान ने डॉक्टरों की एक टीम भेजी देव समाज स्कूल में। अंदरों हैजे का इलाज नहीं था, तपदे का भी इलाज नहीं था, वो पुराना ज़माना था।
तो वहाँ उन्होंने इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई, दो तीन मौतें हो गई स्टूडेंट की और उन दूसरों की, तो बहुत फिक्र हुआ। फिर जब डॉक्टर हरनाम सिंह जी को पता लगा, नौजवान था, तो उसने देव समाज काउंसिल को चिट्ठी लिख दी कि मेरी ये एजुकेशन किस काम की, अगर मेरा जीवन इस समय इस इन बच्चों के देश के बच्चों के हक काम नहीं आ सकता। ये लिखा ना, देश के बच्चे हैं ये हॉस्टल में जो है स्कूल में है, तो स्कूल तो बंद हो गया था, हॉस्टल में थे। तो पहले तो उन्हें इनकार किया गया, समाज ने कहा नहीं आपकी वहाँ हो गई है, हो सकता है आपको तकलीफ हो जाए, बढ़ जाए बीमारी, आपको भी हो जाए, लेकिन वो नहीं माने। उनका जो भाव था कुर्बानी का वो ज़बरदस्त था, उन्होंने कहा जी मैं तो जाऊँगा, और वो वहाँ गए। और एक अब्दुल गफूर टीचर था जिसको डॉक्टरों ने कहा था ये नहीं बचेगा, उसकी जिम्मेवारी उन्होंने खुद ले ली, परहेज कर ना सके उसमें, और धीरे धीरे वो चारपाई पे लेट गए, अब्दुल गफूर बच गया और डॉक्टर हरनाम सिंह डेथ हो। उससे पहले एक और ज़बरदस्त घटना हुई, लाहौर में एक सभा थी, ये जो भजन है ये उनका बनाया हुआ है, ये भजन गाया गया और भजन का जो प्रचालक थे वो परम पूजनीय भगवान देवाधर स्वयं थे। तो जब उसने ये फिक्रे कहे कि बहुत डूबे बचाए तुम, बहुत उजड़े बचाए तुम, जी तुम हो धन, बहुत पागल बचाए तुम, तो वो तो खुद उससे निकले थे, वो गा रहा था। तो पूजनीय भगवान ने लिखा है कि उस समय ऐसे लगा मुझे कि जैसे आसमान से कोई बहुत उच्च आत्मा आके ये गा रहा है। और वहाँ यूं ही उसने ये फिक्रे कहे कि बहुत डूबे बचाए तुम, बहुत उजड़े बसाए तुम, तो उसने बड़े ज़ोर से चीख मारी और हर शब्द के ऊपर वो रोता था और गाता था। ये स्वर्गीय दृश्य था। पूजनीय भगवान ने लिखा तो वो ये नहीं कि वो केला रोने लगा, पूजनीय भगवान भी फूट फूट कर रोने लगे। तो ये पागलों का ये इलाज किया पूजनीय भगवान ने, और उस नौजवान ने परवाह नहीं की, उसने कहा मेरी ज़रूरत है तो मैं तो हर हालत में जाऊंगा, मुझे जाने की इजाज़त दी जाए, तो उसके जज्बे को देखकर उसको इजाज़त दे दी गई। ये इलाज करते हैं गुरु महाराज, उन दिनों विराजमान थे पूजनीय भगवान। तो वो लिखा हुआ है सारा दृश्य कि कैसे वो सभा थी, कैसे डॉक्टर हरनाम सिंह ने भजन गाया, खुद ही बनाया, खुद ही उसकी लय निकाली, और वहाँ ये दृश्य पैदा हुआ। इसलिए देव समाज में फिर पूजनीय भगवान का जो कार्य था वो बढ़ने लगा, और वो इतना बढ़ने लगा कि लोगों से बर्दाश्त ही नहीं हो सका कि ये क्या है। और कई दफ़ा तो मालवे में तो ये हो गया कि ये जो देव समाज के गुरु हैं ये डाकुओं के सरदार हैं, क्योंकि बड़े बड़े डाकू बदले थे, बड़े बड़े शराबी बदले थे, बड़े और जुर्म करने वाले बदले थे। वो तो कोई भी आता था पूजनीय भगवान के वो संपर्क में, उसके जीवन में उच्च परिवर्तन आने लग जाता था, उसके नीच रागों से मुक्ति होने लगती थी, तो उसके अंदर सात्विक भाव और उच्च भाव पैदा हो जाते थे। डॉक्टर चंदूराम बठिंडे के थे, उन्होंने अपनी पत्नी को कहा, गुरु महाराज भी तब वहाँ गए हुए थे, कि अपनी पत्नी को कहा कि यहाँ डाकुओं के सरदार आए हुए हैं, बहुत ख़राब आदमी हैं ये मालवे के, जो जट से कहें डाकू बदमाश चोर सब उनके पास जाते हैं, इसलिए वहाँ नहीं जाना, जिधर से वो जाए तूने नहीं जाना। तो वो डॉक्टर चंदूलाल शहर पूजनीय भगवान शहर को जा रहे थे, इंजन के पास रेल के खड़े हो गए, उन्होंने बताया कि शक्ति शक्ति को काटती है, अगर जिसके अंदर उच्च भाव हैं वो नीच भावों को काटेगा, किसी शक्ति ना हो तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, कुछ ऐसी बात कह रहे थे। तो डॉक्टर चंदूराम भी खड़े सुन रहे थे, तो उन्होंने पूजनीय भगवान को अपने घर आने की दावत दी, कहा महाराज जो कहता था ये डाकुओं के सरदार हैं। तो पूजनीय भगवान गए उनके घर, तशरीफ ले गए, चवारे पे उनका ठहरने का इंतजाम था। जब गुरु महाराज वहाँ चवारे की पौड़ियाँ चढ़ने लगे तो डॉक्टर चंदूलाल ने कहा महाराज
हमको उस पर शोध करना चाहते हैं। आप तो हमारे हमारे जीवन दाता हैं, हमारे बचावन हार हैं, हम आपको डाकुओं के सरदार समझ रहे, हम पर शोध करेंगे महाराज। पर शोध क्या किया ना, अपने सिर की पगड़ी उतारी, जेंट्री थी बड़ी, तो पौड़ियों को ऊपर बिछा दी और पूजे भगवान फिर उनकी पगड़ी को ऊपर से चल के अंदर चले गए। ये परिवर्तन फिर है। तो देव समाज में जो भी आया कोई, उसके उसकी अपनी परिवर्तन की कथा है, उसकी अपनी सेहत की कथा है। जैसे जो आदमी सेहत के नियम पूरा करेगा, नजर आएगा लोगों को कि सेहत के नियम पूरे कर रहा है, तो जो पूज्य भगवान के प्रभाव पाएंगे, उनकी शिक्षा को पढ़ेंगे, तो उनके अंदर उच्च परिवर्तन तो जरूर आएगा। उच्च परिवर्तन की शर्त है कि अधिकारी होना चाहिए। अगर अधिकारी नहीं है फिर नहीं है। बकवाल का शेर याद आ गया कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, अधिकारियों के कि फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादां पर कला में नरमो नाजक पे असर। और ये जो हमारी नस्ल है, ये जो कर रही है अपना सुसाइड कर रही है, इसके मतलब भी इकबाल का शेर है कि तुम्हारी तहजीब, ये इकबाल ने बहुत पहले कहा हुआ, बहुत बहुत महान इंसान थे, बहुत सात्विक जीवनधारी थे, उनका तुम्हारी तहजीब कल्चर, तुम्हारी तहजीब तुम्हारे ही खंजर से खुदकुशी करेगी। जो शाख नाजक पे आशियाना बना वो ना पायदार होगा। ये हो क्या रहा है, हमारी तहजीब अपने ही खंजर से खुदकुशी कर रही है। कहा तो इकबाल ने, लेकर ये बड़ी बात है जो किसी की मोनोपोली नहीं होती, तो वो पूज्य भगवान नहीं है। और जो भी फिर उनके संपर्क में आया वो कोई हो, और जो फिर छोड़ गया उसका भी हशर हुआ। देश समाज में जो सबसे पहले सेवक बने, मेंबर बने, 16 फरवरी 1887 को उनमें संत बजरंग बिहारी पागलपुर जो बिहार में है वहाँ के थे, वो मजिस्ट्रेट थे। पूज्य भगवान उनके यहाँ ठहरे, कहीं से परिचय हुआ, उन्होंने पूज्य भगवान को बुलाया तो गुरुमान ने पहली सभा कराई। अरे ये चीज़ें कोई हवाई नहीं हैं, ये मौजज़े ऐसे हैं कि जो यहाँ हुए हैं। तो वो पहली सभा सुनी तो वो कोर्ट जाने लगे, तो पूज्य भगवान ने पूछा कि बजरंग संत बजरंग बिहारी जी, ये संत बाद में पड़ा उनका नाम बजरंग बिहारी जी, ये आप कोट क्यों टांग के, सर्दी का मौसम है कोट क्यों डाल के जा रहे कोर्ट में। उनका महाराज, एक आपकी सभा सुनी, ये रिश्वत का दिए, ये रिश्वत से बना, मैं नहीं पहनूंगा। अगले दिन फिर सभा कराई पूज्य भगवान ने, और उसमें सभा के बाद पूज्य भगवान ने उनसे पूछा, बजरंग बिहारी जी ये तुम्हारी कोठी कैसे बनी है। कहते महाराज ये भी रिश्वत से बनी, और सर्व से रिजाइन दे दिया। जंगल में, वहाँ जंगल में एक छोटा सी हट बनाई, झोंपड़ी बना ली, और बजरंग बिहारी संत बजरंग बिहारी बन गया। लोग उनको मिलने आते थे, कहते ये करामात हो गई, एक मजिस्ट्रेट जो है वो जंगल में उसने झोंपड़ी डाल ली, अरे ये दुनिया में कहीं हुआ है, ये पूज्य भगवान करते। इसलिए एक नहीं है, हजारों हुई कथाएं हैं। और जो फिर गए, बचन सिंह थे, सराजवाड़ा गांव है बड़ा मशहूर फिरोजपुर में, वहाँ के वो देव समाज में आए, बड़ा परिवर्तन आया, और जाने लगे सत्संग में, जाने लगे सभाओं में, जाने लगे, विकास अल्लाह भी था उसमें दाखिल हो गए। लेकिन जैसे ना इकबाल ने कहा कि वो जो फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, अधिकारी आत्माओं के लिए, ये ऐसे नहीं, मास मूवमेंट देव समाज कभी नहीं बन सकती, क्योंकि देव समाज का पहले प्रतिज्ञा बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन उसके बाद परिवर्तन लगातार होना अधिकारी आत्माओं के लिए ही संभव है, नहीं तो नहीं होता। तो उसने कहा कि मैं देव समाज में आया, मुझे तो उन्होंने पागल कर दिया, मेरे भाई ने दो शादियां कर ली, मेरे भाई ने इतनी ज़मीन
इकट्ठी कर ली और मैं यहाँ झाड़ू दे रहा हूँ, मैं जहाँ देवशास्त्र पढ़ रहा हूँ, ये मुझे किस चक्कर में डाल दिया इन्होंने, तो मैं तो छोड़ के जाऊँगा। और जाने लगा देव समाज के महान कर्मचारी माननीय श्रीमान निर्मल सिंह जी गुहार वाला, वो पहुँचे। उन्होंने कहा बचन सिंह क्या करने लगा है, उनकी बातें सुनी और फिर कहा श्रीमान जी मैं आपको बात बताऊं, अब मेरे जो उच्च भाव थे वो सारे खत्म हो गए, अब मैं कुत्ते की मौत मरूंगा, मुझे पता है कुत्ते की मौत मरूंगा, लेकिन महाराज मेरी शक्तियाँ मुझे घसीटे जा रही हैं, मेरे भाई की दूसरी शादी मुझे घसीटे जा रही है, मैंने क्यों नहीं शादी की, मैंने क्यों नहीं जमीन बनाई, मैंने ऐसा क्यों ना किया। और अखीर ते भाई के साथ झगड़ा हो गया और बचन सिंह का कत्ल हो गया, पता ही नहीं चला कहाँ है। कई दिनों के बाद जो लाश थी जब चीते ऊपर घूमने लगी तब पता चला कि ये तो बचन सिंह मारा गया। शक्तियाँ मामूली नहीं होती, पता था मैं कुत्ते की मौत मरूंगा लेकिन लौट नहीं सका, लौटने के लिए फिर शक्तियाँ दूसरी चाहिए। पूजनीय भगवान ने कहा हमारा काम शक्तियाँ उच्च शक्तियाँ तुम्हारे अंदर विकसित करना है, इसलिए कहना ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारे संपर्क में आया हो और वो पहले से बेहतर ना बन गया हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो हमारे संपर्क से गया हो और वो पहले से नीचे ना आ गया हो। कहते हमारे शक्तियाँ ऐसी हैं कि जो आएगा वो परिवर्तित होगा ही, नहीं तो भाग जाएगा। तो देश समाज में भागने वालों की भी बड़ी लाइन लगी हुई है और वफादारों की भी बड़ी लाइनें लगी हुई है, क्योंकि जब मनुष्य की प्रकृति जो सोखन रागी प्रकृति है उसकी तृप्ति नहीं होगी तो मनुष्य देव समाज से भाग जाए। तो ये इसलिए हमें ये जो है कि मैं पागल हूँ, मुझे तो लगता है मैं पागल हूँ, मैं अपने पागलपन को अब समझने लग गया कि ये पागलपन की गतियाँ हैं। तो जब पता लग जाएगा किसी को बीमारी का वो डॉक्टर के पास चल जाएगा, फिर जब तक इलाज होगा वो डॉक्टर के साथ वफादार रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ मेरा विकास हुआ वो देव समाज की वजह से, पूज्य भगवान की वजह से, उनके साथ योग की वजह से, जो मेरे अंदर श्रद्धा पैदा हुई, जो कृतज्ञता के कुछ भाव आए, जो और भाव पैदा हुए, ये उन भावों की वजह से है। अगर मैं ना आता मैंने किसी और दुनिया में चले जाना, पॉलिटिकल दुनिया थी मेरे सामने तो मैंने वहाँ जाना था, लेकिन ये बताए कौन कि हम पागल हैं और हमें इलाज की ज़रूरत है, और इलाज वही करेंगे जो उससे निकले हुए हैं या जिनका सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सारे आए और आपने ये प्रोग्राम सुना तो मुझे खुशी हुई कि आप बहुत बड़ी तादाद में आए हैं। और देव समाज के इसलिए जो कॉलेज स्कूल है उनका फ़र्क बहुत है दूसरों से। पूज्य भगवान ने देव समाज के इंस्टीट्यूशनों के मुतल्लक फिक्रे कहे हैं, वो हमें याद रखने चाहिए या सारे टीचर हैं आए हुए। पूज्य भगवान ने फरमाया अगर देव समाज के इंस्टीट्यूशन जो मेरा लक्ष्य है उसमें मददगार नहीं होती तो इन्हें रखने का कोई औचित्य नहीं है। वो लक्ष्य क्या था कि सत शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे, जग के उपकार में ही जीवन ये जावे, कि ये जो सत शिव और सुंदर है कहते इसी में मददगार होने के लिए मेरी संस्थाएं हैं। कहते हम पैसे कमाने वाले गुरु नहीं हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। जब शरद करण जी आए थे फिर देव समाज में तो उनसे कुछ माने कहा था, वो कहते मैं पैसे कमाने वाले नहीं हैं, पैसा नहीं है और तुम्हें ज़रूरत भी नहीं रहेगी ज़्यादा पैसे की, कितनी ज़रूरत होगी आप, अरे सिंपल ज़रूरतें तो सारी पूरी हो जाएगी लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा नहीं पूरी होगी, वो देव समाज नहीं पूरी कर सके। इसलिए या तो बदलना होगा या फिर जाना होगा, तीसरा रास्ता देव समाज के पास नहीं है, पूज्य भगवान का इतिहास ही यही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, इतने आए भजन बहुत शानदार गाए और इतनी मात्रा में स्कूल कॉलेजों के लोग आए और भी धर्मसंबंधी आए बहुत अच्छी तादाद में, सबकी धन्यवाद सर। तो अगला प्रोग्राम जो है वो अग्निश बता दें।
पाँच की बजाय 4:30 ही आज की छपी हुई है, 4:30 बजे होगी, 4:30 बजे शाम की जरूरत। और स्कूल के जो हेड है वो मॉरल एजुकेशन की बुक्स ले रहे आपको सभी स्कूल। आपने सुन ली दूसरी बात कि सब स्टूडेंट जो टीचर है या उनके वो मॉरल की वो किताबें ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जय धोनी।